हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मेरा ब्लॉग पड़ा है 8 बजे। रूटीन में थोड़ा थोड़ा लेट होते जा रहे हैं हम। फिलहाल किचन में चलते हैं। किचन में तो अश्विन बैठ गए हैं लेके मोबाइल, और आज बनने जा रहे हैं मैगी। क्या है? इप्पी मैगी बनेगा, तो उसके लिए मटर, प्याज और टमाटर तैयार हो रहा है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ कुछ और काम करने के लिए। भूसा, घर से भूसा भेजना है बाहर। भूसा ले जाना है, भूसा। इस घर से निकालना है, इस वाले रूम से निकाल के, और उसके बाद में गाड़ी आएगी, गाड़ी पे लदवाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से जो है भूसा निकलेगा और भूसा लेके जाएगा गाड़ी वाला। यहाँ से अभी इतना झाल बचा हुआ है, सारा झाल वहाँ चला गया जहाँ पे गाड़ी आने वाली है। यहाँ पे रास्ते का इतना प्रॉब्लम है कि गाड़ी घर पे नहीं आ पाती है, इतना दिक्कत है हर चीज़ सब फार्म में। अरे ऐसा ना होता। चलो, इस तरीके से हम लोग जो है मुंह में पूरा बांध के तब जाके भूसा भर रहे हैं, नहीं तो भूसा इतना ज़्यादा इसमें कुनाई होता है कि कुनाई तो एकदम खांसी आने लगेगा। मेरे साथ में सुमित आज भरा रहा है भूसा। सुमित को बुला लिए थे, अभी 10 झाल और भरना है भूसा। लाइट भी चली गई है, अंधेरा है रास अंदर में। 10 झाल और भरेंगे हम लोग। बंद कर दीजिए वो दरवाज़ा। 2 hours later भूसा भरा गया। और कौन है? अच्छा, तो अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है सड़वान जी। ओ साली, क्या हाल है? देखिए कितना बचा है भूसा। अभी इतना बचा है ना। अब जा रहे हैं नहाने के लिए, पूरा एकदम हाथ में भूसा हो गया है। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं जा रहा हूँ नैनी अश्विन को दवा लेने के लिए। अश्विन को लेके जाएंगे और मम्मी जो है बैठे बैठे पांडा सिल रही हैं और सेंटा क्लॉज सिल रही हैं। सबकी सिलाई हो रही है, सब जितना भी आया हुआ था पांडा सेंटा क्लॉज सब फट गया था, तो मम्मी वही सिलाई कर रही हैं। अश्विन चल दीजिए लेने के लिए दवा, क्योंकि इनको बुखार अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। बुखार बहुत आ रहा है, 5-6 दिन से लगातार बुखार आ, दवा चल रही थी लेकिन दवा कुछ सूट ही नहीं कर रही है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। ये देखिए,
से जाके कर। ये देखिए मम्मी फैलाई हुई है पूरा। खड़े हैं चले पिए। ये देखिए सेंटा क्लॉस, पांडा उधर टहल रहा है। पांडा को सीधा करिए मम्मी। ए पांडा सिल गया। ओ फुलो बजे बाव। पांडा सिल गया। टिकली गुड बाय टाइम। ज़्यादा लेट ना हो इसलिए निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अश्विन भी है सर। टी शर्ट का उसका कॉलर निकाल दीजिए। मैं अपना टॉयलेट ही रहूँगा। फ्री फायर, हाँ फ्री फायर में भी वैसी टंकी है ना। फ्री फायर में ऐसी टंकी दिखती है आपको? हाँ हाँ। तो गाइस अभी हम लोग आ गए मार्केट से अश्विन की दवा लेके और कुछ सब्जी। अच्छा इनो पियेंगे क्या? हाँ इनो तो लाए हैं, चलिए पी लीजिए इनो। चलिए इनो है, इनो दे दो, इनो पी ले। ये भैया को लेके आ गए यहाँ पे स्टेशन। बोलिए फोन कर रहे थे। 9 बजे की ट्रेन है, ये पास के स्टेशन पे ही है हम लोग। अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा ट्रेन का। स्टेशन अच्छा है लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। फिलहाल देखते हैं, वेट करेंगे अभी। तो फिलहाल भैया भी आज निकल रहे हैं और देखते हैं वापसी कब होगी भैया की। और मैं भैया को ड्रॉप करके निकलूँगा अभी, क्योंकि ट्रेन तो है 9 बजे, 9 से 9:15 बजे तक की ट्रेन रहेगी। और रात ज़्यादा हो जाएगी तो मैं निकल जाऊँगा, पहले ही चला जाऊँगा मैं। भैया गाड़ी के पास में खड़े हैं। टाइम बेटे, चलिए ठीक है, ठीक है निकल रहे हैं घर पे। यहाँ पे क्रॉसिंग पे फाटक बंद है अभी और देखते हैं कितना टाइम तक यहाँ पे। अभी इस टाइम में ना फाटक ऐसा हो गया है कि फाटक नहीं, मतलब बंद रहेगा तो आप नीचे से नहीं जा सकते हो, बाइक पास नहीं होगा। फ्लाईओवर का यहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये रूम पे आ गया मैं और ये देख रहे हैं यहाँ पे हो रही कैरम हो रहा है, सब लोग कैरम खेल रहे हैं। एक प्लेयर इधर, एक प्लेयर इधर। और अश्विन तो अपना कैरम वाव सब धना धन। और कैरम खेल के हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कैरम हो गया, पहले कैरम खेल रहे थे, अश्विन वहाँ पे आ गए। अश्विन तो पूरा का पूरा एक साथ में पूरा ऐसे ही मारना शुरू कर दिया कैरम, इसीलिए जो है चले आए हम लोग खाना खाने के लिए। 9:30 हो गया, चलते हैं खाना खाते हैं, पहले देखते हैं खाने में क्या है। तो खाने में क्या है, आलू गोभी की सब्जी, आलू मटर गोभी की सब्जी खाना खाते हैं। रात के 10:30 हो गए हैं और मैं इनको लेके गया था डॉक्टरी, लेकिन पता नहीं उस टाइम में इनको सर दर्द हो नहीं रहा था। मैंने डॉक्टर से शेयर भी नहीं किया कि सर दर्द होता है। और अभी शाम को जब यहाँ पे आया तो सर दर्द स्टार्ट हो गया, बुखार भी आ गया। बुखार की तो दवा मैं लाया था लेकिन सर दर्द ज़्यादा होने लगा। फिलहाल अभी नींद आ गई है तो हो सकता है आराम है, कुछ पट्टी कर दे रहे हैं, थोड़ा गरम मतलब
सर गरम हो रहा है। टेम्परेचर मापने पे तो फिलहाल नहीं है, उसमें बुखार तो नहीं आ रहा, 96.8 करके आ रहा समथिंग, तो बुखार तो नहीं है लेकिन सर ही कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखते हैं, कुछ खाया नहीं है दिन भर, कुछ खाया ही नहीं है, थोड़ा सा बस वही मार्केट में मोमोज खा लिए थे, थोड़ा सा दूध पी लिए थे आधे गिलास तक, बहुत दो तीन दिन से एकदम मतलब एकदम पूरा चेहरा बिगाड़ लिए हैं दो तीन दिन से। ओके गाइस, तो एक्चुअली ठीक है, अभी जिनको डिस्टर्ब भी ना हो तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे करता हूँ इन, क्योंकि एडिटिंग भी करना रहता है, मैं भी आज दिन में थका हुआ हूँ, दिन में पूरा काम धाम करने के बाद मैं इतना थक गया था। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अगर आपको आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।